नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता। मैं हूँ एक आईवीओ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक एक हेल्दी आउटकम के लिए, एक हेल्दी बेबी के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितनी बार गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो, यानी कि आपका पीरियड डिले हो और आपका टेस्ट जो कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जो कि किट वाला टेस्ट होता है, वे पॉजिटिव आए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो एक थंब रूल होता है कि सबसे पहले पॉजिटिव आते ही आप जाके एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। उसका रीजन ये है कि मिलने के बाद वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और ब्लड टेस्ट के माध्यम से ये कंफर्म करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर है या फिर यूट्रस के बाहर है। अगर बाहर होती है यानी कि ट्यूब में होती है तो वो प्रेगनेंसी लाइव नहीं रहती है और उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि अब आप अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी कोई भी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो नहीं करनी है। तो पहले विजिट के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो खूब सारे ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, जिसमें कि ब्लड ग्रुप, CBC, LFT, KFT, PTINR, थैलेसीमिया, एक अल्ट्रासाउंड जिसमें बच्चे का साइज पता चल जाए, आपके खून की मात्रा कितनी है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक तो नहीं है, आपके लिवर के और किडनी के फंक्शन ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, ये सब जांचें करके ये देख लेते हैं कि आपको कौन सी दवाई शुरू करनी है। अमूमन तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरुआत से 12 हफ्ते तक का समय जो होता है उसमें सिर्फ एक टैबलेट दी जाती है जिसको कहते हैं फोलिक एसिड। ये दवा बच्चे में बनावटी खराबी ना होने के लिए दी जाती है। फोलवाइड जो होती है यानी कि फोलिक एसिड, बच्चे के रीढ़ की हड्डी की डेवलपमेंट और दिमाग की डेवलपमेंट की स्पीड को मेंटेन करती है। इसकी जो डोज होती है वो डेली एक टैबलेट की होती है, जो कि सुबह नाश्ते के साथ, दूध के साथ ले सकते हैं। तो नॉर्मली ये ब्लड टेस्ट कराने के बाद और फोलवाइड शुरू करने के बाद पेशेंट को 6 हफ्ते के बाद बुलाया जाता है। 6 हफ्ते के बाद बुलाने पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखा जाता है और साथ ही अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जाता है कि बच्चे की दिल की धड़कन आ गई है या नहीं आ गई है। 6 हफ्ते और 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बीच में नॉर्मली बच्चे की दिल की धड़कन अल्ट्रासाउंड में दिखाई देनी लग जाती है और इस पे ही बच्चे का साइज भी मेजर हो जाता है। आगे जो डेट कैलकुलेट होती है प्रेगनेंसी की वो इसी अल्ट्रासाउंड को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट की जाती है। ये डेट कैलकुलेट करने का सबसे सेंसिटिव टाइम और सबसे अच्छा टाइम होता है क्योंकि बेबी इसमें बहुत छोटा होता है। काफी महिलाओं में इस समय पे दिल की धड़कन नहीं आती है, उसको कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। तो ये वाला अल्ट्रासाउंड और इस समय पे डॉक्टर का विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता चल जाता है कि दिल की धड़कन आ गई और कुछ केसेस में जिसमें नहीं आती है उसमें अबॉर्शन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो अगर ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, तो नॉर्मली इसके 4 हफ्ते बाद पेशेंट को नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाया जाता है। 4 हफ्ते बाद मतलब कि 10वें हफ्ते पे, 10वें हफ्ते और 12वें हफ्ते के बीच में एक और अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे की गर्दन की थिकनेस और बच्चे की नाक की हड्डी देखी जाती है अल्ट्रासाउंड में। इसको कहते हैं NTNB अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड के बाद ये श्योरिटी हो जाती है कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि डाउन सिंड्रोम नहीं है। और साथ में एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं ड्यूल मार्कर। ड्यूल मार्कर मदर के खून में कुछ केमिकल्स की मात्रा के माध्यम से उनके मेजरमेंट करके ये पता लगा देता है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। तो ये अल्ट्रासाउंड भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स जो हैं नहीं आते हैं, उनको लगता है कि अगर प्रेगनेंसी आ गई है तो सब कुछ अपने आप नॉर्मली चलता रहता है, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करना बहुत जरूरी है। तो 12 वीक्स पर ये अल्ट्रासाउंड करने के बाद आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, विटामिन B12 की गोली, एक प्रोटीन डाइट, प्रोटीन पाउडर, ये सब शुरू कर दिया जाता है ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। अभी तक बच्चे के सारे अंग बन रहे होते हैं यानी कि सारे ऑर्गन बन रहे होते हैं और 12वें हफ्ते से लेके 20वें हफ्ते तक वही ऑर्गन साइज में बड़े हो रहे होते हैं। तो 12वें हफ्ते से 20वें हफ्ते के बीच में आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, विटामिन B12 की गोली और साथ में हाई प्रोटीन डाइट और प्रोटीन पाउडर लेना बहुत ही जरूरी है। 18-20 वीक के बीच में फिर से डॉक्टर आपको बुलाएंगे और करेंगे आपका Level 2 स्कैन यानी कि अनोमली स्कैन। इसमें बच्चे के सिर से लेके बच्चे के पैर तक यानी कि ब्रेन,
आईज, हार्ट, लिवर, किडनी, स्टमक, ब्लैडर, उसके पैरों का साइज, हाथों में कितनी उंगलियां हैं, नाक की हड्डी ठीक है, आंखें ठीक है, कान ठीक है, ये सब ऊपर से लेके नीचे तक देखा जाता है। इस वाले अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली एक घंटा लगता है और इसको कहते हैं डिटेल्ड एनोमली स्कैन। इस अल्ट्रासाउंड के बाद आप 99% श्योर हो सकते हो कि आपका बच्चा नॉर्मल है। इसी अल्ट्रासाउंड में अवल नाल यानी कि प्लेसेंटा भी देखा जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि बच्चा समय से पहले तो डिलीवर नहीं हो जाएगा या डिलीवरी से पहले और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ जाएगी। इस अल्ट्रासाउंड के बाद आपको नॉर्मली 4 हफ्ते के बाद बुलाया जाता है यानी कि 24वें हफ्ते पे, और 24वें हफ्ते पे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे ये रूल आउट हो जाता है कि शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, खून में कमी तो नहीं है यानी कि अनीमिया तो नहीं है, और कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में अनिवार्य होती हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा और टेटनस लगा दी जाती है। आज से कुछ साल पहले टेटनस की 2 वैक्सीन लगती थी, बट आज के समय में एक ही वैक्सीन से काम हो जाता है, तो इन्फ्लुएंजा की और टेटनस की एक ही वैक्सीन 24वें हफ्ते पे लगाई जाती है। इसके बाद आपको गायनेकोलॉजिस्ट 4 हफ्ते बाद बुलाएंगे यानी कि 28वें हफ्ते पे, 28 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करके वो सिर्फ बच्चे का साइज देखेंगे, ये देखेंगे कि उसका वजन कितना है, जितना वजन 28वें हफ्ते पे होना चाहिए उतना वजन है कि नहीं है, बच्चे के अराउंड जो फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं उसकी मात्रा देखेंगे, कहीं फ्लूइड कम तो नहीं है, ग्रोथ कम तो नहीं है, और सब कुछ ठीक है या नहीं। तो 28 वीक स्कैन जो होता है उसको ग्रोथ स्कैन बोलते हैं, उसमें बच्चे का वजन नॉर्मली 800 ग्राम से 1 किलो के बीच में होता है, प्लेसेंटा की मेच्योरिटी ग्रेड 2 टू ग्रेड 3 होती है, और AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी कि जितना फ्लूइड है बेबी के अराउंड वो 12 से 15 पॉइंट होता है। अगर सब कुछ ठीक है नेक्स्ट विजिट आपका 32 वीक्स पे होता है जिसमें सेम चीज रिपीट होती है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे का वजन कितना है। नॉर्मली बर्थ के टाइम पे वजन 2.5 से 3 किलो हो तो बहुत अच्छा होता है। जो वेट गेन इंट्रा यूट्राइन यानी कि माँ के शरीर के अंदर हो जाता है वो वेट गेन गोल्डन वेट गेन होता है, क्योंकि जन्म के बाद वो वेट गेन करने में नॉर्मली बच्चों को 2 साल लग जाते हैं। तो जो मदर की न्यूट्रिशन है, मदर की दवाइयां हैं और मदर का खान पान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चे को वेट गेन की तरफ लेके जाता है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती या जो खाने में लापरवाही करते हैं वो सेम चीज उनके बच्चे पे अफेक्ट कर रही है, तो कृपया खाने में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। 32 वीक्स के बाद नेक्स्ट विजिट 36 वीक्स पे होता है। 36 वीक्स टू 37 वीक्स पे यानी कि 8वें महीने के अंत में जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं मदर का नॉर्मली नीचे का रास्ता जो है उसको मेजर करते हैं, देखते हैं कि बच्चे के वजन के हिसाब से नीचे का रास्ता खुला हुआ है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, और इसी समय पे डिसीजन लेके बता देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करा जाए या सिजेरियन सेक्शन करा जाए। और इसी समय आपको ध्यान रखना होता है कि पानी ना छूटे, खून ना जाए, दर्द उठे या बच्चा कम घूमे। ये तो हो गई मेडिकल साइड, अब आपको अपनी तरफ से घर पे क्या करना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। तो एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि जो सोडा होता है, कोक, स्प्राइट, फैंटा, रेडबुल, ये सब प्रेगनेंसी में अवॉइड करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि इन सब चीजों में आर्टिफिशियल केमिकल्स, सोडा, एक्सेसिव शुगर और ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो कि बच्चे के ग्रोथ को हैम्पर करती हैं। तो सोडा इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो आंतें होती हैं यानी कि इंटेस्टाइन्स होती हैं वो ऊपर की तरफ पुश होती हैं, तो गैस्ट्राइटिस और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। प्रेगनेंसी के शुरू से ही पता चल जाता है मदर को उनको खाने में क्या पसंद है और खाने में क्या नहीं पसंद, तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि सिर्फ जो डाइट डॉक्टर दे वही खानी है, आप कुछ भी खा सकते हैं। बस कुछ ऐसे खाने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खाने, जैसे मेथी के दाने नहीं खाने, पपीता नहीं खाना, पाइनएप्पल नहीं खाना, और ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, या कुछ दवाइयां हैं जैसे सीजर की दवाइयां होती हैं, नींद की गोलियां होती हैं, ये प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें भी जो प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते होते हैं उसमें ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसमें बच्चे के ज्यादा अंग बन रहे होते हैं और उस समय तो बिल्कुल ही दवाई खाने से बच्चे को असर आ जाता है। अच्छा, जहां तक एक्सरसाइज की बात है, पहले हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते तक एक्सरसाइज को अवॉइड करना होता है। 12 वीक्स ऑनवर्ड लाइट एक्सरसाइज यानी कि सुबह शाम 15 से 20 मिनट सैर और पेल्विक एक्सरसाइजेस थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। एक थंब रूल होता है प्रेगनेंसी का कि कभी भी अपने आप को एक्सेसिव स्ट्रेस में नहीं डालना, ये नहीं कि 12 से 15 घंटे काम कर रहे हैं और खा पी नहीं रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, 5 से 6 लीटर वाटर और
माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ वर्क इज हेल्दी इन प्रेगनेंसी, बट ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, हैवी वजन उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ रहे हैं या फिर अपने पेट पे जोर डाल रहे हैं। तो पेट पे जोर बिल्कुल नहीं डालना। तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स या फिर हैवी वेट उठाना या 3 फ्लोर से ज्यादा सीढ़ी चढ़ना, ये तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है प्रेगनेंसी में। आजकल बहुत से कोर्सेज आ गए हैं, जैसे एंटीनेटल क्लासेस होती हैं, तो वो एंटीनेटल क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। दे आर वेरी गुड फॉर योर प्रेगनेंसी एंड दे आर वेरी गुड फॉर द बेबी। बच्चे के लिए भी अच्छी होती है, आपके माइंडसेट के लिए भी अच्छी होती है। वीकेंड पे होती हैं, 1 से 2 घंटे की होती हैं, और वो आपको ये बताती हैं कि आपको हॉस्पिटल कब जाना है, जब बेबी आपके पास आ जाए तो उसको ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में हस्बैंड का क्या रोल है, सेक्सुअल एक्टिविटी आप प्रेगनेंसी में कब कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो। ये मिथ है कि प्रेगनेंसी में सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, बट उसको भी अवॉइड करना होता है पहले 6 हफ्ते में और आखिरी 6 हफ्ते में। पहले 6 हफ्ते में क्योंकि मिसकैरेज हो सकता है, और आखिरी 6 हफ्ते में क्योंकि उससे डिलीवरी हो सकती है। जो 20 से 30 हफ्ते का टाइम होता है उस समय पे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना होता है। तो मैं सारे पेशेंट्स को अपने बताता हूँ कि वजाइनल एरिया को लूकवॉर्म वाटर से क्लीन करें, यानी हल्के गर्म पानी से साफ करें, क्योंकि इन्फेक्शन से प्रीटर्म डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। अपने डॉक्टर को ऐसी जगह चुने जो आपके घर के पास हो, क्योंकि एमरजेंसी में कभी भी आपको डॉक्टर को विजिट करना रह सकता है। तो ये मेरी कुछ छोटी सी भेंट है आपको बताने के लिए कि प्रेगनेंसी को हेल्दी आउटकम की तरफ कैसे लेके जाया जाए। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।